आज हम शेयर करने वाले हैं होममेड गरम मसाले की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ऑथेंटिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल फूड्स लाइव को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में ही एक घंटी का बटन आएगा, उसे प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके सबसे पहले। आइए जान लेते हैं गरम मसाले में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। 5 ग्राम हरी इलायची लेंगे, यानी कि ग्रीन कार्डमम। ये लगभग 15 से 20 दाने हैं स्मॉल साइज के। हरी इलायची के साथ साथ इसमें काली इलायची भी जाएगी, इसे हम बड़ी इलायची भी बोलते हैं। 3 ग्राम के करीब हैं ये। और 3 ग्राम हम मेस लेंगे, मेस यानी कि जावित्री। और इनके साथ साथ एक यहाँ पर छोटा टुकड़ा जायफल का भी है, ये लगभग 2 ग्राम है वजन में। तो गैस, जायफल और जावित्री दोनों एक ही पेड़ का हिस्सा होते हैं। जावित्री जायफल का कवर होती है और इन दोनों मसालों का बहुत ही स्ट्रांग फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें काफ़ी कम मात्रा में हम ऐड करेंगे, इसीलिए हमने एक छोटा टुकड़ा जायफल का लिया है और सिर्फ 2 से 3 ग्राम जावित्री ली है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं काली मिर्च। काली मिर्च हमने 10 ग्राम ली है। जितनी हम काली मिर्च लेंगे इसका जस्ट डबल हम जीरा ऐड करेंगे इसमें। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि जस्ट डबल हमें इसका जीरा ऐड करना है। इनके अलावा 5 ग्राम लौंग ऐड करेंगे। लौंग की क्वांटिटी हरी इलायची के बिल्कुल सेम होगी, बराबर होगी। 10 से 15 पीसेज हैं ये। और 2 टुकड़े स्टार एनीस के। स्टार एनीस हिंदी में इसे हम फूल चक्री भी बोलते हैं और ये लगभग 2 ग्राम के करीब है। इनकी स्मेल काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसीलिए इसे भी हम कम मात्रा में ऐड करेंगे। 20 ग्राम जीरा ऐड करेंगे। आप इसमें शाही जीरा भी ऐड कर सकते हैं, जिसे हम काला जीरा भी बोलते हैं। तो जीरा काली मिर्च का जस्ट डबल हमने लिया है यहाँ पर। 2 टुकड़े सिनेमन स्टिक के लिए हैं, सिनेमन यानी कि दालचीनी। और ये वजन में लगभग 3 से 4 ग्राम है। और इनका फ्लेवर और खुशबू दोनों बहुत ही अच्छी आती है गर्म मसाले में। 2 ग्राम के करीब सौंठ पाउडर लिया है। सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, अदरक को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है। 2 ग्राम के करीब हमने यहाँ पर तेजपात लिए हैं, तेजपात यानी कि बे लीफ। अब इन सभी मसालों को हम एक साथ पीसकर तैयार करेंगे। पीसने के पहले अगर इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है तो इन्हें एक दिन की अच्छी धूप दिखा लीजिए। अगर घर में धूप अवेलेबल नहीं है तो इन्हें ड्राई रोस्ट कर सकते हैं तवे पे, या फिर माइक्रोवेव में भी इन्हें ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। हाई पावर पे 1 मिनट के लिए किसी माइक्रोसेफ प्लेट में डालकर इन्हें ड्राई रोस्ट कीजिए। गैस ऑन करेंगे और एक पैन गरम करेंगे और इसमें सारे मसाले ऐड कर लेंगे। दालचीनी को इसमें तोड़कर ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसे पीसना भी है। और मिक्सर ग्राइंडर जार को अगर सेफ रखना चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा तोड़ लीजिए, क्योंकि हम ये मसाले पीसेंगे और पीसते वक्त ये मिक्सी के ब्लेड में फंस सकते हैं और ब्लेड आपका ख़राब हो सकता है। और ये पत्ते भी हम तोड़कर ऐड करेंगे ताकि भूनने में हमें दिक्कत ना आए। और इसे मीडियम टू लो फ्लेम में 1 से 1.25 मिनट तक हम भून लेंगे। इसका ना ही हमें कलर चेंज करना है, ना ही कोई खुशबू डेवलप करनी है, बस इनकी नमी निकालनी है। हल्का सा रोस्ट करेंगे। जैसे ही मसाले रोस्ट हो जाएंगे आपको इनका वजन हल्का लगने लगेगा और ये क्रिस्प हो जाएंगे। तो गाइज़, इन्हें हल्के आंच में भूनेंगे। इन मसालों की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, हर मसाले का अपना एक हेल्थ बेनिफिट है। इन मसालों को हम रोज़ाना अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं ताकि ये मसालों से हम स्वस्थ रह सकें। अब आप देख सकते हैं मसाले हमारे क्रिस्प हो चुके हैं, ये देखिए, ये आसानी से टूट रहे हैं। गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन मसालों को इसी पैन में पड़ा रहने देंगे, हल्का ठंडा होने देंगे, उसके बाद पीसेंगे। मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं। मिक्सी का एक छोटा ग्राइंडर जार लेंगे और ये सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये ठंडे हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प हो चुके हैं, ये देखिए। तो अभी आसानी से पीस जाएंगे। और दालचीनी के हम और छोटे टुकड़े कर लेंगे इस तरीके से। ये आसानी से टूट भी जा रहे हैं हाथों से ही। अगर हाथों से दिक्कत है तो किसी भारी चीज़ से आप इन्हें तोड़ सकते हैं। अभी सारे मसाले इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इन मसालों के साथ हमने सौंठ पाउडर और नटमेग यानी कि जायफल को नहीं भुना था, इन्हें भुनने की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें भी हम इनके साथ ऐड कर लेंगे। जायफल को भी हमने बारीक तोड़ लिया है ताकि इन्हें पीसने में दिक्कत ना आए। और अब हम इन्हें पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रेश, ताज़ा, एकदम होममेड गर्म मसाला तैयार है। ये देखिए इनका टेक्स्चर, हल्का सा दरदरा रखा है हमने, आपको इनका टेक्स्चर दिख रहा होगा।
और बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है। एकदम ताज़े फ्रेश गरम मसाले घर के बने हुए, इनकी बात ही कुछ और होती है। इन्हें आप स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए, आप इन्हें बनाकर रखिए और सब्ज़ी बनाते वक्त 3 से 4 सर्विंग में आधा छोटा चम्मच इसमें ऐड कीजिए। मार्केट वाले मसाले से कहीं ज़्यादा अच्छे होममेड मसाले होते हैं। तो गाइस ट्राई कीजिए इस होममेड गरम मसाले की रेसिपी, और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक दे दीजिए और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।